मुंबई इंडियंस टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आईपीएल को इस साल आयोजित कराने के लिए अपना मत रखा है, जिसके बारे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई सोच सकती है। फिलहाल कोरोना वायरस के कारण आईपीएल का 13वां सीजन अगले आदेश तक टाल दिया गया है। आईपीएल 2020 कब से शुरू होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहा कि खाली स्टेडियम में आईपीएल का कराना एक विकल्प है। शनिवार को भारतीय टीम के दमदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दिनेश कार्तिक के साथ इंस्टाग्राम लाइव वीडियो चैट करते हुए इस बात पर अपनी सहमति जताई है कि वो आईपीएल में बंद दरवाजों के पीछे यानी कि खाली स्टेडियम में खेलने के लिए तैयार है। कॉफी वितरण के विवाद को लेकर हार्दिक ने कहा कि वो कॉफी उन्हें बहुत महंगी पड़ी। वहीं आईपीएल के बिना दर्शकों के आयोजित कराने पर उन्होंने कहा कि ये काफी अलग होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। हार्दिक पांड्या ने कहा, ये बहुत ही अलग होगा, हम दर्शकों के साथ खेलने के आदि हो चुके हैं और सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। मैंने रणजी ट्रॉफी बिना दर्शकों के खेली है और इससे अलग महसूस होता है। अगर ईमानदारी से कहूँ तो अगर आईपीएल खाली स्टेडियम में आयोजित होता है तो ये स्मार्ट ऑप्शन होगा, कम से कम घरों में बैठे लोग तो एंटरटेन होंगे। हार्दिक ने इस विकल्प पर उनके भाई कुणाल पांड्या ने भी सहमति दी है। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल खेलते हैं, वहीं दिनेश कार्तिक भी आईपीएल मुंबई की टीम के लिए खेल चुके हैं। ऐसे में ये तीन खिलाड़ी एमआई फैमिली से संबंध रखते हैं। लॉकडाउन के बीच तमाम क्रिकेटर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या भी लाइव चैट के जरिए अपने फैंस से रूबरू हुए थे। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।